الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى ال محمد كما تحننت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى ال محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अबिल सत्त तक्रीम बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ साथियों हम एक साल खत्म करके एक नए साल के में दाखिल हो चुके हैं इस्लामी साल चौदाह सौ चवालीस खत्म हो कर के चौदह सौ पैतालीस आ चुका है चांद ने अपनी सालाना गर्दिश वार्षिक एतबार से चांद एक मरतबा जो घूमता है उसने अपना एक और चक्कर पूरा कर दिया इस्लामी साल के एतबार से कुल महीने बारह है यह जब से आसमान और ज़मीन को अल्लाह तबारक वाले ने पैदा किया है उसी वक्त से महीनों की गिनती बारह है बारह महीने बारह महीनों में मुहरम ये पहला महीने और चार महीनों के मुतालिक कुरान कहता है हरमत वाले और अजमत वाले महीने वो चार महीने ऐसे हैं कि जिसमें अरब लोग जंग करने से रुकते थे जंगो जिदाल नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं इसलिए इसको हरमत वाले महीने करार दिया गया क्या इस्लाम आने के बाद भी ये हरमत बाकी है जी हाँ उलमा ने इसको लिखा है कि आदमी बचता रहे कत्लो की ताल ना करें अगर कोई मुकाबला करता है तो उस वक्त डिफेंस कर ले रोक ले वो चार महीने हैं लगातार तीन दिलका दिल हिज्जा और हराम और चौथा महीना रजब ये चार हुरमत वाले महीने हैं अजमत वाले महीने हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हराम के महीने को अल्लाह का महीना करार दिया हाल ये है कि बारह के बारह महीने के बारह के बारह महीने अल्लाह के फिर मुहर्रम को अल्लाह का महीना करार देने की वजह क्या कारण क्या क्यों इसको अल्लाह का महीना करार दिया इसकी अजमत की वजह से सारी दुनिया की मस्जिदें अल्लाह का घर है ये भी अल्लाह का घर दुनिया के किसी भी कोने में बनने वाली मस्जिद वो अल्लाह का घर है लेकिन काबतुल्ला खास मुनासबत की वजह से मस्जिद हराम को अल्लाह का घर करार दिया गया सारी दुनिया की पैदा की गई उतनिया होने वाली सब उतनिया अल्लाह की उतनिया है, लेकिन हजरत सलाम की उतनी को नापतुल्ला की उतनी करार दिया उसकी अजमत के बिना पर सारे अम्बिया कराम के रसूल है लेकिन हज़रत नबी पाक सल अल्लाह वसल्लम को कुरान ने जिक्र किया मोहम्मद ये हजरत नबी पाक सल्ला वसल्लम की अजमत की बुनियाद पर तो इसी तरीके से हराम सारे महीने अल्लाह के हैं लेकिन इस महीने को अल्लाह का महीना करार देने की वजह इसकी आज़मत की बुनियाद पर

रमज़ान के दिनों के बाद सबसे अफजल रोज़ा अगर कोई है तो वह मुहर्रम के दिन का रोज़ा है बल्कि तबरानी की रिवायत ये तो मुस्लिम की रिवायत तबरानी की रिवायत तो ये है कि तो तो मन सामौम मिनहर्रम फ़ला बिकल योमिन رواه तबरानी कि अगर कोई मुहर्रम के दिन में एक रोज़ा रख ले दूसरे दिनों में दूसरे महीनों में उसको तीस रोज़े रखने के बराबर सवाब मिलता है वह की यह फ़जीलत अगर ताकत है कुवत है फारग है वक्त है रख सकते हैं तो इस महीने में रोज़े रखने चाहिए ये बड़ी अजमतों वाला महीना है हरमत वाला महीना है दूसरी चीज़ ये जो महीना है इससे इस्लामी साल की इब्तदा होती है वजह इसकी यह है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तहु के जमाने खिलाफत का पांचवा साल उस साल में जब आपके सामने खत आने लगे तो उस पर कोई तारीख और साल वगैरह नहीं होता था तो हजरत उमर रजी अल्लाह तहु ने मुहल्मा हराम को पहला महीना करार देते हुए इसको हिजरत की तारीख से के साथ वाबस्ता कर दिया वजह इसकी यह है कि इस इस साल में इस महीने में हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा फरमा लिया था जब अल्लाह तबारक व हुक्म आया तो मुहर्रम में आप हिजरत का इरादा कर चुके थे अगरचे हिजरत के लिए रवाना हुए सफर की 26 तारीख को लेकिन मुहर्रम में हिजरत का इरादा कर चुके थे लोगों ने कहा कि इस्लामी कोई इस साल मुतन कर दिया जाए तो हजरत उमर रजी अल्लाह तहु ने एक फरमाया कि कोई ऐसी चीज़ से हम अपने साल को जोड़ें कि जिससे इस्लामी तारीख बाकी रहे। लोगों ने बहुत सारी चीजें कहीं फतह मक्का कहा हजूर का दुनिया में आना कहा बहुत सारी बातें आई लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तहु की राय पर फैसला हुआ ये हम हिजरत की तारीख को मुतिन कर देते हैं उसी से साल की इब्तदा करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि इस्लाम क्या चीज़ है और इस्लाम को बचाने के लिए हमने अपने ईमान को बचाने के लिए हमने अपने वतन मुकर्रमा जैसी पाक जगह को अलविदा कहा और मदीना को हमने अपना मस्कन और रहने की जगह को मुतयन किया तो आप लोग भी अगर इस्लाम पर आ बने या अपने ईमान के ऊपर कोई चीज आ जावे तो ऐसे वक्त में आप इसके साथ समझौता न करना कॉम्प्रोमाइज न करना इस ईमान का सौदा न कर देना अपने ईमान को बचाने के लिए अपनी सारी कुर्बानियां दे देना चाहे भूखे रह लेना सब कुछ कर लेना लेकिन अगर वतन छोड़ने की जरूरत पड़े तो वतन छोड़ देना लेकिन ईमान और इस्लाम का सौदा कभी ना करना इसीलिए इसको पहला महीना मुहर्रम हर्रमराम करार दिया ताकि कयामत तक आने वाले लोग अपनी इस तारीख को याद रखें आज तो हम अपनी तारीखों को याद रखते हैं तो बर्थडे के तौर पर कि मेरा एक साल पूरा हुआ अब बर्थडे मनाते हैं ये जाहिल को तालियां पीटती हैं मगरिब की तहजीब को देख करके और उस वक्त केक काट करके तालियां माँ बाप पीते हैं बच्चे पीटते हैं मोहल्ले वाले पीटते हैं फंक्शन किया जाता है के इस्लाम में इसकी इजाजत हो सकती है अरे बाउले तेरी जिंदगी का एक साल खत्म हो गया तेरी जिंदगी के बारह महीने खत्म हो गए और इस वक्त तालियां पीटना और बाकायदा अपने मोबाइल पर व्हाट्सअप पर स्टेट्स लगते हैं स्टेटर्स ये लगाते हैं कि हैप्पी बर्थडे और लोग इसको खुशियां वा, मुबारकबादी पेश करते हैं आखिर ये कहाँ का इस्लाम कहा की तहजीब लेकर के हम अपने आप के मुसलमान होने का दावा कर रहे हैं हमें अपनी तारीख याद है अंग्रेजी तारीखें याद है इनकार नहीं है। अंग्रेजी महीने भी अल्लाह के हैं वो शमसी तरीके पर साल घूमता है यह कमर और चांद के अतबार से साल घूमता है लेकिन इसके चलते में एक बात अर्ज कर दू बर्थडे मनाना अपने औलादों की आदत अपने औलादों में यह आदत पैदा ना करें इसकी इजाजत नहीं हो सकती बाकायदा केक काट करके चॉकलेट तकसीम किए जाते हैं केक तकसीम किए जाते हैं खैर ये बड़ा अजमत वाला महीना है ये साल ये कहता है कि आप भी जब अपना साल पूरा हो तो अपने सालों की गिनती करें कि आखिर मैं दुनिया में आया मेरे तीस साल हो गए पैंतीस साल हो गए पचास साल हो गए लेकिन आज तक मुझे नमाज पढ़ने का ढंग मालूम नहीं है मैं दुनिया में क्यों आया मैं दुनिया में फिरने के लिए आया सुबह हुई उठा तिजारत के लिए गया आकर के सो गया फिर सुबह हुई बस यही मेरा ढंडा है इसके अलावा कोई तिजारत नहीं है ऐसे मैंने पचास साल निकाल दिए अब तक मुझे नमाज पढ़ना नहीं आता मुझे इस्लामी तरीके नहीं आते तरीकों पर मुझे खाना नहीं आता तो है बहुत सारे वाकियात रोनुमा हुए हैं तारीखी वाकियात इससे वाबस्ता है इसमें हजरत उमर रजी अल्लाह तु की शहादत पहली हराम को हजरत उमर रजी अल्लाह तु शहीद हुए हजरत उमर नदी अल्लाह अन्हु के जमाने खिलाफत में एक पारसी एक मजूसी अब लु, फिरोज नामी आदमी को हजरत उमर नदी अल्लाह अन्हु ने बुलाया वो चक्कियाँ बेहतरीन बनाता था उसको बुलाया बुला करके कहा चक्की बनाना है तो वो हजरत उमर को कहता है कि ऐसी चक्की बनाओ वो ऐसी चक्की बनाऊंगा कि मश्रक मगरब में इसके चर्चा होने लगेंगे इतनी बेहतरीन चक्की में बनाऊंगा हजरत उमर फिरासत ईमान से समझ गए मुझे कत्ल करना चाहता है ये मुझे कत्ल करना चाहता है कि इसके चर्चा मगरिब में लोग जिक्र करेंगे इसका लेकिन लोगों को कुछ कहा नहीं कोई इकदाम नहीं किया कि चलो इसको पकड़ करके जेल में बंद कर दो ये इस्लाम नहीं सिखाता जब तक उस पर अमल ना किया जाए वहां तक सजा नहीं कुछ मुद्दत के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह वसल्लम का मुसल्ला मस्जिद नबी में खड़े हुए फजर की नमाज के लिए वो अब लु फिरोज नामी आदमी भी सफ़ में खड़ा है उमर के पीछे नमाज पढ़ रहा है नमाज में वो अपने इजार बन में एक खंजर लेकर के आया जो जहर में बूझा हुआ था जहर लगाया हुआ था और वो जैसे ही हजरत उमर ने नमाज शुरू की और किरात शुरू की उसी वक्त उसने वो खंजर भोंक दिया अलग अलग जगह पर वो खंजर डालने लगा लेकिन वो पीछे भाग ना सका कितने सहाबा भी शहीद हो चुके और कितने सहाबा को ईजाए पहुंची आखिर में वो खंजर खुद अपनी जात में भोंक दिया और वो भी वहीं पर खत्म हो गया हजरत उमर रजी अल्लाह हजरत अब्दुलरमान इबन ओफ रजी अल्लाह तहु को इशारे से हजरत उमर ने कहा आप नमाज खत्म कर दें हजरत अब्दुलरहमान इबन ओफ ने नमाज खत्म कर दी अब्दुलरमान नमाज खत्म कर चुके तमाम सहाबा आ चुके उमर को क्या हो गया क्या वजह है यह मुनसिफ बादशाह बोलबाला पूरी दुनिया में किया है असल में वो जलता था वो मजूसी हजरत उमर इलाके के इलाके फतह करते जा रहे थे तो उसने कहा इसका बदला लिया जाएगा कतल कर दिया गया हजरत उमर ये मुराद रसूल सल्लाम दूसरे कोई सहाबी मुराद रसूल नहीं हजरत उमर मुराद रसूल है अबू बकर खुद इस्लाम में आए अली खुद इस्लाम में आए जैदिब ने हारिसा खुद इस्लाम में आए उस्मान खुद इस्लाम में आए साधि ने अबी बक्का खुद इस्लाम में आए खदीजा खुद इस्लाम में आई लेकिन उमर एक ऐसे है अलाम नवी ने लिखा है छह साल तक हुजूर ने उमर की दुआ मांगी छह साल तक हुजूर ने उमर की दुआ मांगी अल्लाह उमर को हिदायत दे दे अल्लाह या उमर को या अबू जहल को हिदायत दे दे अगर उमर आ गया तो इस्लाम को तकवियत मिलेगी मजबूती मिलेगी इस्लाम को अल्लाह उमर को हिदायत दे दे ये मुराद रसूल छह साल के बाद उमर को हिदायत मिली छह साल के सत्ताईस साल की उम्र में मुशरबा इस्लाम हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हुए इस तौर पर हजरत उमर रजी अल्लाह तहु दो वाक्य अलग अलग तीन वाक्य अलग अलग जिक्र किए हैं किस तरह वो इस्लाम में दाखिल हुए एक तो अपनी बहन वाला वाक्या जो मशहूर है कि अपने वो के वो कतल करने के लिए घर से निकले बीच में एक जा रहा हूँ कहा कि अपनी बहन की खबर ले लो बहन बहनों की खबर लेने के लिए पहुंचे तो वो इस्लाम में दाखिल हो चुके थे उनको मारा पीता आखिर में हुजूर की दुआ अब असर कर रही है कहने लगे क्या पढ़ती थी तू नापाक है तेरे हाथ में नहीं दे सकते सुनान चे हजरत उमर ने घुसल किया की तिलावत शुरू हुई तो की तिलावत चलती थी ला इला अना जब इस पर हजरत उमर पहुंचे बस कहने लगे मुझे हजूर के पास ले चलो हजरत उमर रजी अल्लाह उस वक्त मुसलब्ब इस्लाम हुए हैं एक रिवायत खुद हजरत उमर का वाक्य मुस्द अहमद में हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल ने नकल किया है कि हजरत उमर फरमाते हैं मेरे दिल में इस्लाम का नूर उस वक्त उतरा जबकि काबतुल्ला में हजरत नमाज पढ़ रहे थे कुरान की तिलावत कर रहे थे मैं वहां से गुजर रहा था मैंने देखा कि कुरान की बड़ी लजीज आवाज है मेरे दिल को भाग गई तो मैं उसको सुनने के लिए खड़ा रहा मैंने दिल में कहा कि ये कोई शायर का कलाम लगता है कुरान सुरह हाक्का की तिलावत हुजूर कर रहे थे वला बेकौल शायर हुजूर का उस शायर पर पहुंचना कहा के वला बेकौल शायर यह कोई शायर का कलाम नहीं है खलील अम्मा मिनोन बहुत कम तुम यकीन रखते हो ईमान लाते हो हजरत उमर ने कहा मुझे लगता है ये कोई काहिन है अंदर की बात जानता है फौरन मेरे दिल ने कहा ये कोई काहिन का कलाम है कुरान आगे चला वाला बिकाहली यह कोई काहिन का भी कलाम नहीं है बस मेरे दिल ने यह कबूल कर लिया ये कलाम वो कलाम है जिसको अल्लाह ने उतारा अल्ला है बस मेरे दिल में ईमान की मोहब्बत बेदार हो गई और मैंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया ये वो कुरने करीम है जिस वक्त अरब में हजूर को नबूत मिली उस वक्त अरब में कुरान के मुताल ये बातें थी अरब में फसाहत बहुत पर थी कलाम तकल्लम करना बात करना बड़ा पर था, कोई उनके कलाम का मुकाबला नहीं कर सकता था लेकिन हजरत उमर, न, हजरत उमर, नबी पाक आए तो वही मौजिजा दिया हजरत ईसा के जमाने में तिब और दाक्तरी बड़े पर थी तो हजरत ईसा को मौजिजा दिया दाक्तरी का वो मुर्दों को जिंदा करने का मौजिजा उनके पास था बीमारों को शिफा वाला मुजिजा था हजरत उमर के हजरत मुसा के जमाने में जादू उर्ज पर था तो जादू वाला मुजिजा उनको मिला हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में फसाहत उरूज पर थी हुजूर को कुरान वाला मुजिजा मिला जब कुरान आया हुजूर ने कहा तुम मुझे क्या कहते तो मैं काहिन हूँ नहीं हो सकता अरे तुम कुरान के मुकाबले के लिए कोई चीज लेकर के आओ अरे चलो कुरान छोड़ दो एक सूरत दस सूरतें लेकर के आओ अरे दस छोड़ दो एक सूरत ले आओ दस छोड़ दो एक आयत लेकर के आ जाओ एक आयत नहीं बना सके अब तो मानो कि मैं उम्मी हूं मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं फिर भी ये कुरान मेरी जबान पर जारी हो जाना ये कोई मोजिजा है ये अल्लाह का कलाम है ये कुरान हजरत उमर रजी अल्लाह इसी से इस्लाम में दाखिल हुए हैं आज हमारे पास कुरान है हम इसकी अजमत कितनी कर रहे हैं वो तो हम ही जानते हैं बस ये हजरत उमर मुराद रसूल है बैतुल मुकद्दस गए बैतुल मकदिस बैतुल मुकद्दस वहां पर हजरत उमर गए हैं हजरत अबू उबैदा इब्न जर्रा अमीन हादिकिल उम्मा जिनको करार दिया गया जब उनको हजरत उमर ने अपने जमाने खिलाफत में भेजा कि जाओ बैतुल मुकद्दस को फतह करना है फतह के लिए पहुंचे हैं तो उस फतह के मौके पर वो पूरा इलाका फलस्तीन का वो मस्जिद अक्सा का पूरा इलाका घेर लिया उबैदा के लश्कर ने उस लश्कर के घेरने के बाद एक पादरी बाहर आया और आकर के कहने लगा अगर आप सौ साल तक भी हमको घेरे रखोगे हम आपके हाथ में फतह नहीं दे सकते हम यहाँ खाते रहेंगे पीते रहेंगे याद रखो हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि खलीफा दूसरा खलीफा हजरत मोहम्मद में आएगा उसका तीन लफ्जों में नाम होगा और वो बंदा आएगा वो जब यहाँ आएगा तो फतेह पुराने कपड़े होंगे पेवन लगे हुए होंगे अगर वो बंदा आ जाता है तो हम बगैर जंग के चाबी दे देते हैं वैदा खत लिखते हैं उमर को उमर आ जाओ उमर ने मशवेरा किया उस्मान से क्या किया जाए अली से किया कहा जाना चाहिए हजरत उमर गए हैं हिजरत के मौके पर अपने एक खालिम को लेकर के ऊंट पर सवार होकर के जब वहां पहुंचने की बारी आई तो गुलाम को ऊपर बैठना था उमर को आगे लगाम लेकर के चलना था गुलाम कहता है यह शहर आ चुका है जिसको फतेह करना है उमर उमर अपने कपड़े तब्दील कर दो अपने कपड़े बदल लो आप बड़े इलाके में जा रहे हैं हजरत उमर कहते हैं इज्जत हमें कपड़ों ने नहीं दी इज्जत हमें इस्लाम ने दी है जो इज्जत देख रहे हैं वो इस्लाम की वजह से है और जितना बाकी उसको बाकी रखे इस पर अमल पे ना रहे हजरत उमर ने कहा इज्जत इस्लाम की वजह से मिली वरना उमर को क्या आता था बकरियां चराता था तो खत्ता भी डांटता था कि उमर तुझे बकरियां चराने भी नहीं आता है फिर कहा कि उमर आप बैठ जाइए मैं लगाम लेता हूं कहा कि आप अमीर है आप खलीफा है अब कैसे चल सकते हैं कहा कि नहीं नहीं तेरी बारी है बारी है इंसाफ होगा ये होता है अमीर कम कौम का अमीर जो होता है वो खादिम बन करके रहता है जो बड़ा बनने की कोशिश करते हैं वो खादिम बने वो मखदूम ना बने के लोग हमारी खिदमत करें हमारे घरों पर आए हमारे पैर दबाए हमें हदिया दे ये नहीं होना चाहे कौम का अमीर तो खादिम बनता है अब कौम के अमीर खादिम नहीं बनते ऐस करना जानते जो भी हो चाहे मुसलमान हो गैर हो यह कौम का अमीर ऐसा होता है हजरत उमर दाखिल हुए तेरी बार है बैठ जा तू जब वहां पर पहुंचे हैं। पादरी किताब लेकर के बाहर आया किताब देख करके ऊपर देखता है उमर क्या है अंदर पेवन लगे पेवन देखता है उमर की दाढ़ी देखता है उमर का कद देखता है वो पादरी कहता है ये चाबी ले लो बगैर जंग के हम आपको चाबी देते हैं बैतुल मकबी आपने फतह कर लिए ये होता है इस्लाम और ये होते हैं आदमी का इस्लाम पर अमल पैरा होना फतह करके आ गए ये हजरत उमर रदी अल्लाह जब इनको शहीद किया जा रहा है खंजर डाला गया हजरत उमर को जब उसके बाद नमाज के खत्म के बाद जब उनको ले गए और ले जाने के बाद मदीना का एक सबसे बड़ा हकीम माहिर हकीम उसको बुलाया गया बुलाने के बाद का इनका, इनका इलाज कर दिया जाए हजरत उमर रजी अल्लाह के पास वो इलाज के लिए आया उसने दवा दी पीने के लिए तो वो दवा चूके, बहुत सारे जख्म हो चुके थे तो वो जख्मों से दवा बाहर निकल गई हजरत उमर ने कहा अब मेरा अल्लाह के पास जाने का वक्त आ चुका है अब दवा मेरा काम नहीं है लेकिन जाते जाते अपने बेटे से कहे बेटा आयशा से पूछ लेना वो पाकदामन औरत अफीफा उनसे पूछ लेना हजरत आयशा के, के मेरा बाप हुजूर के कदमों में दफन होना चाहता है वो आपका हुजरा है अगर आप इजाज़त दें तो मैं मेरे बाप को दफन कर सकता हूँ अगर इजाजत दें तो कोई मसला नहीं हजरत अब्दुल्ला इबन उमर को भेजा अब्दुल्ला इबन उमर गए अब्दुल्ला इबन उमर ने पूछा मेरा बाप नबी के कदमों में दफन होना चाहता है कहा कि बिल्कुल इजाजत है उमर को अगरचे ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी लेकिन मैं उमर के लिए अपनी जगह दे देती हूँ चुनानचे आए अब्दुल्ला इबन उमर हजरत उमर कहते बेटा जब जनाजा लेकर के तू जाए तो उस वक्त जनाजा तू बाहर रख देना फिर हजरत आयशा से इजाजत मांगता और मांगने के बाद उस वक्त मुझे दफन कर देना सुनानचे हजरत उमर दुनिया से रुखसत हो रहे हैं कून रहा है हजरत उमर कह रहे हैं याद रहो हमारी कामयाबी कुरान को पकड़ने में है कुरान को मत छोड़ देना इसको लाजिम पकड़ना वरना तुम जलील हो जाओगे हमने कुरान को तो अदब की वजह से इतना ऊंचे रख दिया कि सफाई करने के लिए भी हाथ पहुंचता नहीं इतनी ज्यादा अजमत ना करो कम से कम इतनी अजमत करो कि आसानी के साथ ले सकें और रोजाना तिलावत कर सकें हजरत उमर ये कहकर के जा रहे हैं आज ये हम जो परेशान है न कुरान की तिलावत है न कुरान पर अमल है न कोई चीज है बस हम अपने झमेलों में घूमते रहते हैं कोई मसला नहीं आप दुनिया को कमाते रहें सब कुछ करते रहें लेकिन कुरान पर अमल पैदा हो आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म कर दो हजरत आखिरी पेश करते थे एक बच्चा खड़ा हुआ और एक बच्चा खड़ा होकर के कहता है कि एक आदमी एक आदमी ने बेहतरीन घर बनाया उसने दरख्त भी कुछ लगाए हुए थे और उसके बाद उस आदमी का इंतकाल हो गया अपने बेटे को वसीयत की के तेरा है सब कुछ उसके बाद इंतकाल के बाद मॉडर्न तरीके पर वो बेटा घर बनाने की कोशिश करने लगा तो उसने देखा ये जो दो दरख्त हैं वो दरख्त अगर नहीं काटूंगा तब बराबर तरीके से मेरा प्लान सक्सेस नहीं हो सकता कामयाब नहीं हो सकता उसने वो दोनों दरख्त भी काट दिए उसके बाद जिस दिन ये घर तैयार हुआ सांप बिच्छू की घर में आमद शुरू हो गई तो उसने कहा ये कैसे हो चुका आज तक मेरे घर में सांप बिच्छू नहीं आते थे तो वो उसके बाप की उम्र का एक आदमी उनसे जाकर के पूछने लगा चचा ये क्या बात है आज तक सांप बिच्छू नहीं आया आज सांप बिच्छू आने लगे कहा के चल तू तूने तु, क्या किया तेरे बाप के जाने के बाद कुछ काम किया कोई दरख्त था कि तूने इसको काटा कहा के दो दरख्त मैंने काट दिए कहा कि ये दो दरख्त ने लगाए थे सांप बिच्छू इसकी वजह से नहीं आते थे अब तूने वही दो दरख्त काट दिए तो तेरे घर में सांप बिच्छू आना शुरू हो गए हुजूर ने कहा कि तुम कुरान और सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना तुम्हारे घरों में झगड़े नहीं आएंगे तुम्हारे घरों में बेबरकती नहीं आएगी आज परेशान है पूछते हैं मोल साहब बरकत नहीं होती है मोल साहब औलाद मान नहीं है कुरान को छोड़ दिया और घरों में झगड़े दाखिल होते चले गए तो ये मुहर्रम हराम बड़ी अजमत और बरकत वाला महीना है बड़े वाकियात इसमें रोनुमा हुए हैं हुरमत वाला महीना है मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया उसने कुरान आगे कहता है फला तजलिमो अनफुसकुम तुम अपनी जात पर जुल्म न करो जुलम न करने का क्या मतलब एक तो ये कि जिस तरह हुरमत और अजमत वाला महीना इसमें एक रोजे का स्वब तीस रोजों के बराबर है तो तुम गुना से भी अपने आप को दूर रखो मासी से बचते रहो अपनी जातों पर जुल्म करके अपने आप को जहन्नम के हवाले न करो ये मोहरम का महीना हमें हिजरत का सबक देता है कि इस्लाम को बचाना है इस्लाम की बका के लिए कोशिश करना है और हमें हजरत उमर वाली जिंदगी साहबा वाली जिंदगी को हिजरत वाली जिंदगी को अपने अंदर दाखिल करना है अल्लाह तबारक व ताला इन बातों पर हम तमाम को अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए आमीन व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन